हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी यार। और मैं आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर बायोलॉजी थोड़ी हार्ड है? मैं कहता हूँ बच्चे, बायोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे तो। अगर उसको आप रिलेट करके पढ़ोगे कि किस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि बायोलॉजी बहुत इजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को बहुत डिटेल मैनर में पढ़ा। और उसके बाद का जो चैप्टर है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन में ये एक सेवन्थ पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को ना और क्लियर कर सकते हैं, ताकि प्लांट फिजियोलॉजी के सारी कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इसेंशियल एलिमेंट है, जो इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट, इसे कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? हमने अंडरस्टैंड किया है ना कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो रूट के थ्रू, वो रूट हेयर सेल्स के थ्रू सॉइल से ये सभी इसेंशियल एलिमेंट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमारा रूट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा रूट वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा क्या है? शूट का पार्ट है। और यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है? तो यहीं पर प्रेजेंट है हमारे सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉइल में इसेंशियल एलिमेंट आते कहाँ से हैं? ये सॉइल में इसेंशियल एलिमेंट आते कहाँ से हैं? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब देखो बेसिकली इन सॉइल्स के अंदर क्या हैं? आपके आयंस प्रेजेंट हैं जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट क्या करता है? इस सॉइल से रूट हेयर सेल्स के थ्रू प्लांट इसे एब्जॉर्ब करता है, और जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से प्लांट के इंटायर पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये सभी इसेंशियल एलिमेंट सॉइल में कहाँ से आते हैं, सॉइल में कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं बेसिकली रॉक। जो रॉक है ना, सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं बच्चे, इन्हीं में क्या होते हैं कि मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। और ये सॉइल में कैसे पहुंचते हैं? तो जब यहाँ पर आपका वेदरिंग का प्रोसेस होता है, तो वहाँ से क्या होता है, जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा ना बच्चे, जब बारिश होती है, तो बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट रॉक से निकल के कहाँ जाते हैं? वाटर के थ्रू सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। ठीक है, तो ये सभी इसेंशियल एलिमेंट कहाँ पहुंच जाते हैं? आपके सॉइल में। और सॉइल जो है वहाँ रूट हेयर सेल्स के कांटेक्ट में होता है, और ये रूट हेयर सेल्स फाइनली सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं, और फाइनली जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया कि जब इसेंशियल एलिमेंट का प्लांट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कि जब भी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ये अमाउंट अगर कम हो जाए, मीन्स प्लांट को जितना चाहिए था उतना ना मिले, तो बेसिकली प्लांट में क्या कॉज करेगा? डिफिशियंसी कॉज करेगा। और इस डिफिशियंसी को
अगर डिफिशियंसी प्लांट के अंदर हो रही किसी एलिमेंट के, तो ये पूरा पूरा इम्पैक्ट करेगा किसके ऊपर, जो है आपके क्रॉप ईल्ड जो है, विच अफेक्ट द क्रॉप ईल्ड। मीन्स सपोज अगर आप किसी एग्रीकल्चर में आप किसी चीज़ को वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो और किसी इसेंशियल एलिमेंट का जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट था उतना ना मिल करके उस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाए, जब डिफिशियंसी होगी तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे थे उस एग्रीकल्चर पर, वो फाइनली कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, जितना सपोज प्रोड्यूस होना चाहिए था, उस डिफिशियंसी की वजह से वो क्रॉप यील्ड पे क्या हुआ, अफेक्ट हो गया, मीन्स उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इस डिफिशियंसी को हम किस तरीके से फुलफिल करते हैं, तो जब किसी इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है तभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देन सप्लाई दीज इसेंशियल एलिमेंट बाई फर्टिलाइजर्स। अब ये एलिमेंट आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। तो जब भी सॉइल के अंदर किसी भी इसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है, तो उस डिफिशियंसी को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है, उस डिफिशियंसी को सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर के फॉर्म में। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो सभी इसेंशियल एलिमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है यहाँ पर, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अब देखो अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना कि जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। हम नाइट्रोजन को यहाँ क्यों अंडरस्टैंड करें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक तरह का, नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ठीक है, साथ में साथ क्लोरो फिल में प्रेजेंट होता है, बहुत डिफरेंट हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन जो है वो एक तरह का बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, और इसी नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब ये इसेंशियल एलिमेंट जो है, जनरली हमने अंडरस्टैंड किया कि प्लांट जो है वो बेसिकली सॉइल से एब्जॉर्व करता है, और इस सॉइल में इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, यहाँ पर माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हैं। क्या हैं? माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हैं जो प्लांट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन को अगर आप अंडरस्टैंड करो, तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है जिसको हम N2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, कनेक्टेड है। मीन्स यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, मीन्स नाइट्रोजन के दो एटम ट्रिपल कोवेलेंट से क्या है, कनेक्टेड है, जो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ये नाइट्रोजन के दो एटम हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, तो
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो दो एटम हैं एक दूसरे के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें? अमोनिया में, जिसको हम बोलते हैं NH3। क्या बोलते हैं? NH3। तो जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया के फॉर्म में होता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ही डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस तरीके से फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर हम बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस तरीके से अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना जिसको हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन, मींस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में डिफरेंट डिफरेंट वे से कन्वर्ट होता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, साथ में साथ अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है यहाँ पर, ये भी क्या बनाता है? आपका अमोनिया बनाता है। ठीक है, साथ में साथ इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, और साथ में साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये अमोनिया बन रहा है इसकी एक प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। आगे चल करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अमोनिया जो है प्लांट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका अमोनिया जो है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? NO2-, मींस नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। मींस ये जो अमोनिया है ये जब ऑक्सीडाइज्ड होगा, मींस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, तो किसमें कन्वर्ट होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट में। और फाइनली नाइट्राइट जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट, NO3-। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। अब देखो, अमोनिया से जब नाइट्रेट बना तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। और नाइट्राइट से नाइट्रेट जो बन रहा है ये भी एक तरह का कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब यहीं पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करते हैं कि इस स्टेप की अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, मींस अमोनिया जो है नाइट्रेट में जो कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। ठीक है, या नाइट्रोसोमोनास, या इस हम दूसरे बैक्टीरिया की बात अंडरस्टैंड करते हैं, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है जो बेसिकली अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। अगर हम नाइट्राइट से नाइट्रेट का कन्वर्जन को देखें तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, इसी बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रो बैक्टर। तो नाइट्रो बैक्टर बैक्टीरिया
और साथ में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, इन्हीं बैक्टीरिया को आप बोलते हो कि क्या है, एक तरह के नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है जो बेसिकली अमोनिया से नाइट्रेट के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, तो इन्हीं बैक्टीरिया को आप बोलते हो नाइट्री फाइन बैक्टीरिया, या आप इन्हीं को बोल देते हो कीमो ऑटोट्रॉप्स, इन्हीं को आप क्या बोल देते हो, ऑल्सो कॉल्ड कीमो ऑटो ड्रॉप्स। तो ये बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन हुआ किसमें, अमोनिया में। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते थे, इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोल रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो अमोनिया बना, अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को मीडिएट कौन करता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। तो अमोनिया से नाइट्रेट के बनने में जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस में, ये भी एक तरह का नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने का जो प्रोसेस है ये एक तरह का कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोबैक्टर है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं केमो ऑटो ड्रॉप्स। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी रिएक्शंस को डिटेल वे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, इस प्रोसेस में जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है नाइट्राइट नाइट्राइट में जो कन्वर्ट हुआ है, अगर हम बात करते हैं कि जो अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट। ठीक है, तो जो ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोसेस कैसा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मींस यहाँ पर क्या यूटिलाइज होगा, तो यहाँ पर यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है। और किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में। और साथ में साथ जब नाइट्राइट में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पर प्रोटॉन भी निकलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो दो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में यहाँ पर टू एन एच थ्री आपका टू नाइट्राइट मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो करके दो प्रोटॉन और दो H2O मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, तो नाइट्रोसो मोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हुआ। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, नाइट्रोसो मोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि फर्दर इस नाइट्रेट का कन्वर्जन, क्योंकि फर्दर इस नाइट्रेट का जब कन्वर्जन होगा तो ये क्या है आपका, नाइट्राइट, ये क्या है आपका, अमोनिया। बात समझ में आ रही है सभी को, ये क्या है आपका, अमोनिया, और ये कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट। अब जब नाइट्राइट का फर्दर जब नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा टू एन ओ टू माइनस, तो जब फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दोबारा से यहाँ पर क्या यूटिलाइज होगा, ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, टू एन ओ थ्री माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू एन ओ थ्री माइनस। और ये जो कन्वर्जन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो नाइट्रो वेक्टर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हो रहा है। और ये भी एक तरह का कैसा प्रोसेस है,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपका आपका अमोनिया में, और ये अमोनिया फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट NO2- फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस है वो एक कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ठीक है। साथ में हम आगे के लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइड में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर फर्दर नाइट्राइड जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे के लेसन्स में बहुत इंपॉर्टेंट पूरे इस नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड करें। तो अभी के लिए आप इतना अंडरस्टैंड करो कि जो आपका नाइट्रोजन एटम है, दो नाइट्रोजन एटम आपस में कनेक्ट होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को, हम और भी ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस, ऐसे ही पढ़ो और ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, थैंक यू।